हेलो स्टूडेंट्स, आज असी लैसन 7 दा थर्ड एंड लास्ट पार्ट करांगे। इस लैसन दी स्टोरी नू चंगी तरह समझन दे लई तुहाडे लई इस लैसन दे तीनों पार्ट्स नू देखना जरूरी है, तां जो तुहानू इस लैसन दी स्टोरी समझ आ सके। सर, आई कैन हीयर द मेलोडियस स्ट्रेन्स ऑफ गुरबाणी। सर, मैं गुरबाणी दियां सुरीलियां धुनां सुन सकदा हाँ। देयर मस्ट बी अ गुरद्वारा नीयर बाय, सैड विक्की। नेड़े ही एक गुरद्वारा होना चाहिदा है, विक्की ने कहा। वैल, वी आर नीयर द गोल्डन टैंपल ऑफ अमृतसर। खैर, असी अमृतसर दे हरिमंदर साहब दे नेड़े हाँ, नज़दीक हाँ। इट इज़ द होलीएसट श्राइन ऑफ द सिखस, सैड मिस्टर मैथ्यू। ये सिखां दा पवित्र स्थान है, श्रीमान मैथ्यू ने कहा। सर, दे से दिस टैंपल इज़ सराउंडड बाय वाटर, सैड चेंटू। सर, कहिंदे हन कि यह गुरद्वारा पानी नाल घिरिया होया है, चेंटू ने कहा। यस, इट इज़ बिल्ट इन द मिडल ऑफ अ सिक्योर टैंक। हाँ, ये एक वर्गाकार सरोवर के विचकार बनया हुआ है। टू रीच द टैंपल देयर इज़ अ 60 मीटर लोंग मार्बल पाथ। हरिमंदर साहब तक पहुँचने लई 60 मीटर का लंबा संगमरमर रस्ता है। दिस पाथ हैज़ मार्बल रेलिंग्स ऑन बोथ साइड्स। इस रस्ते के दोनों पासे संगमरमर दे जंगले हन। द टैंपल इज़ डबल स्टोरीड। ये हरिमंदर साहब दो मंजिला है। इट हैज़ अ गोल्डन डॉम ऑन द टॉप। इस दे उपर सुनहरी गुंबद है। द मार्बल स्लैब्स यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टैंपल हैव ऑन देम फाइन आर्टिस्टिक एंग्रेविंग्स। हरिमंदर साहब की उसारी विच वरते गए संगमरमर दियां स्लैबां उत्ते कलात्मक नकाशीदार चित्र हन। द इनर वाल्स आर डेकोरेटड विद प्रीशियस स्टोनस। अंदरूनी कंधां दीवारां कीमती पत्थरां नाल सजाईयां गईयां हन। दे हैव ऑन दिम प्राइसलैस पेंटिंग्स एंड अदर वर्क्स ऑफ आर्ट। उन्हां ते अनमोल पेंटिंग अते कला दे होर कार्ज हन। ऑन द ग्राउंड फ्लोर अंडर द डोम शेप्ड रूफ, गुंबद आकार वाली छत दे हेठां लाइज श्री गुरु ग्रंथ साहिब। गुंबद आकार वाली छत दे हेठां हेठली मंजिल ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी सुशोभित हन। इट इज़ द होली बुक ऑफ सिखस। ये सिखां दा पवित्र ग्रंथ है। डू यू नो इट वाज श्री गुरु अर्जन देव द 5th गुरु ऑफ द सिखस। हू कंपेल्ड दिस होली बुक। की तुहानू पता है कि श्री गुरु अर्जन देव जी ने, जो सिखां दे 5वें गुरु होए हन, उन्होंने इस पवित्र ग्रंथ नू संकलित किया। आनंदपुर साहब इज़ अनदर प्लेस ऑफ सिख पिलग्रीमेज। आनंदपुर साहब एक होर सिख तीर्थ स्थान है। इट इज़ अ स्मॉल टाउन ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ द सतलुज रिवर। ये सतलुज दरिया के कंढे उत्ते एक छोटा जिहा शहर है। इट वॉज़ फाउंडड बाय श्री गुरु तेग बहादुर। इस दी स्थापना श्री गुरु तेग बहादुर जी द्वारा की गई सी। लक्स ऑफ सिख
गैदर हेयर एनुअली टू सैलीब्रेट द फाउंडिंग ऑफ द खालसा बाय गुरु गोबिंद सिंह इन 1699। गुरु गोबिंद सिंह द्वारा 1699 स्थापित खालसे का स्थापना दिवस मनाने लई इत्थे हर साल लखां सिख एकत्र हुंदे हन। सर लुक हेयर, दिस इज़ द मॉडल ऑफ ब्यूटीफुल प्लैंड सिटी। सर इधर देखो, ये एक सुंदर योजनाबद्ध शहर का नमूना है। इट हैज़ अ नंबर ऑफ गार्डनज इजंट दिस चंडीगढ़ आस्कड राज। सर इधर देखो, ये एक सुंदर योजनाबद्ध शहर का नमूना है। इस दे बहुत सारे बाग हैं, ये चंडीगढ़ नहीं? राजू ने पूछा। यस दिस इज चंडीगढ़, हाँ ये चंडीगढ़ है। दिस ब्यूटीफुल सिटी इज़ सिचुएटेड एट द फुट ऑफ द शिवालिक हिल्स। ये सुंदर शहर शिवालिक दियां पहाड़ियां दे पैरां ते स्थित है। इट वाज़ डिजाइंड बाय अ फेमस फ्रेंच आर्किटेक्ट ली कॉर्बूजियर। ये शहर मशहूर फ्रेंच आर्किटेक्ट ले कॉर्बूजियर द्वारा डिजाइन किया गया सी। बीइंग वेरी क्लोज टू द हिल्स, पहाड़ियों के नेड़े होने करके चंडीगढ़ हैज़ अ काम एंड प्लीजेंट एटमोसफियर। पहाड़ियों के नज़दीक नेड़े होने करके इत्थे शांत ते सुहावना वातावरण है। द रोज़ गार्डनज ऑफ चंडीगढ़ आर वर्ल्ड फेमस। चंडीगढ़ के रोज़ गार्डन विश्व प्रसिद्ध हैं। द सिटी वाज फॉर्मली डिकलेयर्ड ओपन इन अक्टूबर 1953 बाय द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये शहर अक्तूबर 1953 भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा रस्मी तौर पर खुला ऐलाना गया सी। सर देयर आर सम शॉप्स हेयर दैट सेल स्पोर्ट्स गुड्स, आई वुड लाइक टू बाय अ क्रिकेट बैट एंड अ बॉल, सेड विक्की। सर इत्थे कुछ दुकाना हैं जो खेडों का समान बेचदियां हैं, मैं एक क्रिकेट बैट खरीदना चाहता हाँ ते एक गेंद, विक्की ने कहा। बट बीफोर यू बाय कुड यू टैल मी विच सिटी इन पंजाब प्रोड्यूस दीज गुड्स, आस्कड मिस्टर मैथ्यू। परंतु खरीदने तो पहला की तुसी मैनू दस सकते हो कि पंजाब का किहड़ा शहर ये वस्तां पैदा करता है, श्रीमान मैथ्यू ने पूछा। नो सर, रिप्लाइड विक्की। नहीं सर, विक्की ने उत्तर दिता। वैल इट इज़ जलंधर, सैड मिस्टर मैथ्यू। खैर ये जलंधर है, श्रीमान मैथ्यू ने कहा। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्ट्स गुड्स इन द कंट्री। ये देश के विच खेडां दे समान दे उत्पादन लई सब तो महत्वपूर्ण केंद्रां विचों एक है। द अदर शॉप देयर हैज़ वोलन हॉजरी गुड्स। ये एक होर दुकान है जिथे उन वालियां हौजरी चीज़ां वस्तां मिलदियां हन। दे आर फ्रॉम लुधियाना, वो लुधियाना तो हन। 95% ऑफ आर हौजरी इंडस्ट्री इज़ इन लुधियाना। पचानवे % हौजरी इंडस्ट्री लुधियाना दे विच हन। वुड यू लाइक टू बाय सम हौजरी गुड्स आलसो। की तुसी कुछ हौजरी चीज़ां भी खरीदना चाहोगे? नो सर, आई कैन नॉट डिसाइड विच वांस टू बाय। नहीं सर, मैं फैसला नहीं कर सकता कि किड़ा खरीदना है। सच परचेजेज आर मेड बाय माई पेरेंट्स, सेड चेंटू। इस प्रकार की खरीददारी माता पिता द्वारा की जाती है, चेंटू ने कहा। वैल चिल्ड्रन यू वुड परहैप्स लाइक टू टेस्ट दीज अमृतसरी जलेबीज। खैर बच्चों, तुसी शायद इन अमृतसरी जलेबियों का स्वाद लेना चाहोगे, सैड मिस्टर मैथ्यू मूविंग टुवार्ड्स अ स्वीट्स शॉप। श्रीमान मैथ्यू ने एक मिठाई की दुकान वल वधदे हुए कहा।
ऑल द चिल्ड्रन फॉलोड हिम विद स्माइल्स ऑन देयर फेसेस। सारे बच्चे चेहरियां ते मुस्कुराहट लेके उन्हां दा पिछा कर रहे सन। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हाँ कि तुहानू इस लैसन दे रिलेटड जो भी तीनों पार्ट्स ने उन्हां देखण ते सुनण तो बाद इस लैसन की स्टोरी तुहानू चंगी तरह समझ आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स।